उनको स्वरोजगार के लिए उनका उन्मुखीकरण किया जाता है, उनको उस लायक बनाया जाता है। हमारे बिहार में जीविका 2007 से सतत ग्रामीण क्षेत्रों के दीदियों के मंच के पास आ जाए। सुबह स्तर पर जीविका के तहत आयोजन लोग रोजगार समायोजन मेला शुरू किया है। यहाँ पे 15 कंपनी यहाँ पर आई है यहाँ पे, और उद्देश्य ये है कि ज़्यादा जीविका दीदी जो महिला हैं उनको रोजगार दिया जा सके। यहाँ पे कुछ कंपनी ऐसी है जो डायरेक्ट रोजगार दे रही है इंटरव्यू लेके, और कुछ कंपनी ऐसी है जो ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार देगी। तो हमें समय लगता है कि कल जो शाम का फिगर है उसके तहत हम लोग 4 से 5 हज़ार लोगों को रोजगार दे पाएंगे। रेमुनरेशन भी अच्छा है, 10 से 15 हज़ार रुपये लोगों को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य जो है साथ निश्चय पार्ट 2 में कि रोजगार भी सृजन करना है और साथ ही साथ महिला को सशक्त बनाना है। तो हमें लगता है कि दोनों योजनाओं का समावेश करने का एक अच्छा उदाहरण है, और जीविका इसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है, इसलिए जीविका को बताएंगे। आज कई दीदियों को सम्मानित भी किया गया है। देखिए, हर जीविका दीदी की अपनी संघर्ष की कहानी है, और उन संघर्ष दीदियों के बीच में जो ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य करती है उनको हम सम्मानित भी करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। वैसे तो हर दीदी अपना अच्छा काम की है, लेकिन कुछ विशेष लोगों को आज सम्मान दिया गया, उनके लिए हमारे से बहुत अनुरोध है। बताइए, रोजगार मेला में आप आई हैं, किस चीज़ का, किस ट्रेड का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं? मैं रोजगार मेला में आई हूँ। मुझे अनाउंस के थ्रू पता चला था कि सहरसा में स्टेडियम में रोजगार मेला लग रहा है, जहाँ पे जो रोजगार बेरोजगार है उनके लिए, महिला के लिए, सब चीज सबके लिए ये फायदे की चीज़ है। इसमें मैं भी भरने आई हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने स्टेट बैंक का ग्रामीण स्वराजगढ़ में टैली का कोर्स करने वाला। टैली का जी? कोई चार्ज वगैरह भी लगा? नहीं, निशुल्क है, रजिस्ट्रेशन भी निशुल्क ही हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी कुमारी है। बताइए, रोजगार मेला में जो ये आपका स्टॉल लगा हुआ है, किस तरह का स्टूडेंट्स को आप लाभ दे रहे हैं यहाँ? जी, ये भारतीय स्टेट बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से रोजगार के लिए भारतीय स्टेट बैंक ये ट्रेनिंग देती है, जिसका ये पीछे लिस्ट दिया हुआ है कौन सा प्रशिक्षण कितने दिन का है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक इसकी खर्चा खुद उठाती है, निःशुल्क रहना खाना सब फ्री है। तो इसमें स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा? स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सहरसा जिला की है कि या बाहर की है? सहरसा जिला की। बाहर के भी स्टूडेंट का फॉर्म भरा जाता है? सहरसा जिला की। सिर्फ सहरसा जिला की। इसमें कोई चार्ज भी है? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ, हम ऑफिस असिस्टेंट है स्टेट बैंक ट्रेनिंग सेंटर का। बताइए, स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रशिक्षण लेंगे और उसी ट्रेड में वो बिजनेस करना चाहेंगे तो उनको ऋण भी उपलब्ध कराएगी? हम लोग मुद्रा लोन की तरह, ठीक है, फॉर्म फिलअप करवा के उनके ब्रांच में भेज देते हैं। ब्रांच मैनेजर यूनिट भी करने के बाद उनको लोन प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम कितना तक का लोन होता है? मिनिमम 50,000 से 10 लाख तक। जीविका के द्वारा जो रोजगार और स्व मार्गदर्शन मेला लगाया गया है, इसमें स्टूडेंट को कैसे लाभान्वित किया जा रहा है? ये कोरोना काल के बाद जो है, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश मिला था कि रोजगार से जो है हमारे इस क्षेत्र के, कोसी के क्षेत्र के युवाओं को जोड़ा जाए, इसी तहत जो है जिला परियोजना प्रबंधक जीविका के द्वारा ये प्रयास किया गया, और इसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे कुल 15 कंपनियों को बुलाया है जो सीधे तौर पे रोजगार से और स्वरोजगार से दोनों तरह की चीज़ों से जोड़ रही है। इसमें 15 कंपनी के अलावा 3 ऐसी भी कंपनियां हैं जो हमारे DDU GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत मुफ्त में ग्रामीण क्षेत्र के जीविका से जुड़े हुए परिवार को प्रशिक्षण के उपरांत अच्छे कंपनियों में जॉब दे रही है। आज जो डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आई हुई है, जैसे कि फॉक्सकॉन हुआ या साई एक्सपोर्ट हुआ, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें ये दोनों कंपनी में केवल फीमेल के लिए ही प्लेसमेंट है। फॉक्सकॉन में ऑलमोस्ट 12,000 एम्प्लॉयर हैं और 12,000 कंपनियों में जो है केवल फीमेल ही है। तो प्रायः ये कोशिश किया जा रहा है कि अधिक से अधिक फीमेल कैंडिडेट को भी इसमें भी लाभ किया जाए, और उसमें बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी दिया जा रहा है। साथ में जितने तरह के PF वगैरह होता है या मेडिकल या इंश्योरेंस वगैरह, जो सारी फैसिलिटी होती है वो दिया जाता है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि ये जो कंपनियां में आज जो ऑफर लेटर दिया जा रहा है, ना सिर्फ ऑफर लेटर दिया जाए, साथ में हमारे लिए एक चैलेंज ये था कि इस
ऑफर लेटर में से टर्नआउट कितने होते हैं, कितने कैंडिडेट जो है कंपनी में स्वतः प्लेस्ड होते हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक साक्षात्कार और काउंसलिंग सेंटर भी बनाया था, जिसके तहत अभी तक लगभग 100 कैंडिडेट जो है विथ टिकट उनको अलग अलग जगहों पे जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है, उनका टिकट भी बना दिया गया है और जिसकी संख्या हम लोगों ने अभी जो सोचा है ऑलमोस्ट 500 होगा, जो 500 कैंडिडेट आने वाले 15 दिनों के अंदर विभिन्न कंपनियों में जहां साक्षात्कार दिए हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस होंगे। ये जो रोजगार मेला लगा है इसमें सिर्फ सहरसा जिले के ही युवा युवती लाभान्वित होंगे या अदर जिले के भी होंगे? ये रोजगार मेला सहरसा के लिए है, लेकिन यहां पे जैसा पता चला है कंपनियों का जो डिटेल आया है उसमें कई जगहों से जो है कैंडिडेट आए हैं, 3-4 जिलों से कैंडिडेट आए हैं, मधेपुरा से भी, सुपौल से भी, खगड़िया से भी, कुछ दरभंगा के भी कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए थे जो अपने रिलेटिव के यहाँ आए हुए थे, तो कैंडिडेट तो सभी के लिए यहाँ ओपन है। तो लाभ सहरसा जिले को भी मिलेगा और बाहर के कैंडिडेट बाहर को के भी कैंडिडेट अगर योग रहेंगे तो उनको जोड़ा जाएगा और सभी को जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में जो सही योग्य हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए। क्या नाम हुआ? नीलकमल चौधरी, रोजगार प्रबंधक, जीविका सहरसा।